من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فرفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أئنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. معزز حاضرین, मैं आपका आज इख़बार शनासी की 730वीं मजलिस में खैर मकदम करता हूँ. जनाब ग़ुलाम रज़ाई साहब की ख्वाहिश पे मैं मुकर्रर साहब का तआरुफ़ पेश कर रहा हूँ. आप जनाब डॉक्टर अकील हाशमी साहब से बखूबी वाकिफ़ हैं, उन्होंने हमारी कई नशस्तों को अहम उनवानात से मुखातिब किया है. मौसूफ आज अपने ख़ुद के तजवीज़ करदा उन्वान औरत इकबाल की नज़र में तकरीर फरमाएंगे, इससे इस्तेफादे का मौका हमें दे रहे हैं. हमारी आज की ये, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, 730वीं नशिस्त है, 3वीं. और अभी आपने मोहम्मद मुर्तज़ा साहब से खिरत कलाम पाक की सुनने की और उनके पढ़ने की सआदत हासिल की. मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपने ख्यालात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ. याद एक दो अशार आप दो तीन अशार में नजर लिबास मजाज में कभी हकीकत मुंतजर नजर लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीन नयाज में कभी हकीकत मुंतज़र न बचा बचा के तू रख इसे तेरा आईना है वो आईना न बचा बचा के तू रख इसे तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर साज में कभी कभी मैं जो सर सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा तेरा दिल
सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में कभी है हकीकत मुंतज़र। तशरीफ लाइए। मोहतरम हाजरीन किराम, इकबाल शनासी की ये नशिस्त अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इससे पहले 702 महफिलें इस सिलसिले की कायम हो चुकी। ये बात उसूख के साथ ही नहीं, यकीन के साथ कही जा रही है और जा सकती है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अख्ताए आलम में इकबाल शनासी या इकबाल फहमी के सिलसिले में तवातुर, तसलसल और मुदावमत के साथ इतनी सारी महफिलें शायद ही किसी मकाम पर मुनक़िद की गई हों। ये आप हजरात की इकबाल फहमी और इकबाल शनासी से दिलचस्पी और मोहतरम मौलाना मियाज़दानी साहब की मसाई यकीनन इस बात की गवाह हैं कि आज हमारे दरमियान इकबाल और इकबाल को समझने के लिए जो फिक्र दरकार है, जो जज्बा और जो एहसास हमें उकसाता है, वो यकीनन इस बात की गवाही देगा कि इकबाल के कलाम में असर हाजिर के ऐसे कई मसाइल मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से हम रोशनी हासिल कर सकते हैं। बिलखुसूस आज का जो उन्वान है, औरत इकबाल की नज़र में, वैसे भी इकबाल के अशार की वजाहत, तशरी और दीगर उमूर के बारे में जो मौजूदात आते हैं वो हमें इस तरफ मायल करते हैं कि इकबाल के कलाम पर गौर करें। लेकिन आज का ये जो उन्वान है, ये जो मौजू है, वो बड़ा अहम इस वजह से भी हो जाता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में औरत का जो मकाम और मर्तबा है उसका जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन उसके साथ जो हो रहा है, उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके साथ जो बेइज्जती और उसके नामूस के पर्दे चाक किए जा रहे हैं, उस बारे में दुनिया के तमाम दानिश्वर, अहले इल्म, अहले हमियत और जज्बे सदाकत और एहतराम रखने वाली शख्सियतें फिक्रमंद हैं कि औरत का मकाम और मर्तबा क्या है, क्या होना चाहिए और उसके तहफ्फुज़ और उसकी उसका तदारुक या उसका सद्देबाप कैसे हो कि उसकी बेइज्जती, इफ़त और इस्मत और इज्जत का किस तरह से तहफ्फुज़ किया जा सकता है। ख़ुसूसन मुसलमानों पर ये ज़िम्मेदारी ज़ायद आ जाए, इसलिए ज़ायद होती है कि इस्लाम शायद वो पहला मज़हब है दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जिसने औरत की इज्जत और तौक़ीर और अज़मत को एक मकाम और मर्तबा दिया। अहकाम इलाही की रोशनी में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी में अगर औरत के मकाम और मर्तबे का तायुन किया जाए तो यकीनन हमारे लिए बड़ा सूदमंद और गैर मामूली नतीजा खेज अमल हमारे सामने आएगा। इस तरह अगर मैं कहूँ औरत इकबाल की नज़र में तो एक महदूद
सिर्फ इकबाल की नज़र को सामने रखकर इकबाल ने औरत के बारे में क्या महसूस किया, इकबाल ने औरत को किस नज़र से देखा, उसकी अजमत और उसकी इफ़त और उसके नामूस की क्या कदर अफजाई की, या किस तरह उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए से इसका पैगाम दिया कि औरत की क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, उसकी तौक़ीर किस तरह की जानी चाहिए। और साथ ही उसका एक उन्वान यूं भी होगा कि औरत इस्लाम से पहले और औरत इस्लाम के बाद। चूंकि मेरा मज़मून या मेरा मौज़ू है गुफ्तगू इकबाल की नज़र में औरत का मकाम का तायुन, एक कोशिश है तालिब-ए-इल्माना। इकबाल की शायरी में इतने कई मौजूआत आपको मिलेंगे जो जिंदगी को आंखों में आंखें डालकर जीने का सलीका सिखाता है। इकबाल ने अपने मौजूआत में जहां खुदी की बात की, खुद एहतसाबी की बात की, खुद निगरी की बात की, इंसानियत नवाज गुफ्तगू की, ईमान अफरोज वाकयात की तशरीह की, वहीं उन्होंने ये भी महसूस किया उस दौर में जबकि इकबाल हयात थे, जिंदा थे, यूरोप का दौरा उन्होंने किया, मगरिब की दुनिया देखी, मशरिक के अकदार देखे, और फिर खुसूसियत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपका अमल मुकद्दस और फिर साहबा इकराम की जिंदगियां, इस्लाम में औरत का क्या मकाम और मर्तबा है, इन तमाम बातों पर इकबाल ने बड़ी वसतों के साथ गुफ्तगू की। जाहिर है ये छोटा सा वक्त होता है, इसमें मेरी कोशिश मेरी अकेले की क्या, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के जितने मुकर्ररीन हज़रात हैं मुझसे काबिल और बेहतर अंदाज में इकबाल की तशरीहात आपके सामने रखते होंगे, लेकिन उनके साथ भी मसला यही है कि वो मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी बातें आपके जहन में डाल देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इकबाल ने, मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार करता रहा हूं, बल्कि हर इकबाल शनास के लिए ये नुक्ता बल्कि नुक्ते आफरीनी की बात है कि इकबाल को समझना हो तो कुरान पढ़िए, और बड़ी हद तक कुरान की तफसीर और कुरान के माना मफहूम और तर्जुमानी के लिए ज़रूरतन ही सही, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो फिर इकबाल के कलाम को भी आप पढ़ लें। ऐसी बहुत सारी आपको कुरान की तशरीहात इकबाल के अशार में मिलेंगे। इकबाल ने औरत से मुतालिक जो बात कही वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि औरत का मौजू हर जमाने में गुफ्तगू का मरकज रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिंदगी और दुनिया के हर माशरे में औरत का एक मकाम है, लेकिन वो किस हद तक अजमत वाला है, किस हद तक काबिल एहतराम है, और किस हद तक उसका इस्तेहसाल किया जाता है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। इकबाल ने अपने इब्तदाई कलाम ही में जो बांगे दरा के नाम से उनका मजमूआ सामने आता है, उसमें उन्होंने माँ का ख्वाब के नाम से एक नज्म, बच्चों के लिए जो नज़में उन्होंने लिखी उसमें भी एक नज्म अगर मिलेगी तो माँ के ख्वाब के नाम से मिलेगी। जाहिर है यहाँ मौका नहीं है कि मैं नाम के साथ उस नज्म की तशरीहात भी पेश करूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि इकबाल ने जो बुनियादी उनसर उठाया है अजमत औरत के लिए, वो उन्होंने माँ के तकद्दस को सामने रखकर रखा।
फिर आपको ये बताऊं कि ज़र्ब कलीम उनका जो मजमुआ है उसमें तो उन्होंने एक मुकम्मल बाब, एक फसल रखा है औरत के उन्वान से, और उस एक औरत के उन्वान के तहत उन्होंने छोटी छोटी नज़में या अशार को उन्वान दिया, जैसे मर्द फरहंग, मर्द फरंग, फरंगी इंग्लिस्तान के रहने वालों को कहते हैं मर्द फरंग, उसी से पर्दा, खलवत, बाद लोग उसको खिलवत बोलते हैं, खलवत पर्दा। फिर औरत के उन्वान से भी उन्होंने एक नज़्म लिखी, फिर आज़ादी निस्वान के बारे में कुछ अशआर रखे, फिर औरत की हिफाजत का मामला भी सामने आया, औरत हिफाजत चाहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब उम्मातुल मोमिनीन के साथ कुछ ख्वातीन ऊंट से उतर रही थी तो कुछ असहाब उनको उजलत में उतारने के लिए कह रहे थे, तो आपने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें उजलत ना करो, ये शीशे के बर्तन हैं, इनका तहफ्फुज और इनको हिफाजत से उतारा। देखिए एक बहुत मामूली सी बात समझ में आती है, लेकिन गौर करके देखें तो पता लगेगा कि शीशे में जब बाल आ जाता है तो कारगर या काम का नहीं रहता, कांच से हम कहते हैं। इकबाल आज़ादी निस्वान के नाम से भी एक नज्म लिखते हैं, और फिर औरत और तालीम के बारे में भी उनकी एक नज्म मिलती है। ये ज़र्ब कलीम की बात है। अभी मैंने जैसे बांग दरा की तरफ इशारा किया, माँ के काब की तरफ, बांग दरा में वो मशहूर नज्म मौजूद है जिसका उन्वान खुद इस बात की दलील है कि इकबाल के पास खातून मोहतरम या औरत या माँ का जो मकाम है वो क्या है, उस नज्म का उन्वान है वालदा मरहूमा की याद में। ये इतनी 13 बंदों पर मुश्तमल एक नज्म, एक दो बंद नहीं 13 बंद है। उन्होंने कितनी जहतें औरत के मकाम और मर्तबे की बताई, और तो और उसमें उसके आखिरी जो शेर है वो इस कदर आला दर्जे का शेर है कि मैं समझता हूं कि आज बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मोहतरम अंदाज में जब हमारे दरमियान से कोई शख्स गुजर जाता है, कोई हस्ती गुजर जाती है, तो उसके बारे में हम ये शेर जरूर पढ़ देते हैं कि आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे, और सबसे नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। ये आखिरी शेर है उस नज्म का जो इकबाल ने वालदा मरहुमा की याद में लिखा। ये बांगे दरा की बात है। ज़र्ब कलीम की उन्वानात तो मैंने आपको सुनाए, और फिर आप इकबाल के कलाम ही पर गौर करते जाएंगे तो एक शेर उन्होंने बड़े मजे से लिख दिया कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। देखिए कहने वाले ने किस मुकाम से बात कही, लेकिन उसका मतलब और मफहूम क्या लिया जा रहा है। उस सानी मिसरे की तरफ लोगों की रगबत या लोगों की नजर नहीं जाती, वो सानी मिसरा बड़े मजे का है और बड़ा अहम है। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और रंगों की दुनिया के लोग खूब जानते हैं। आप जरा गौर कर लीजिए कि अगर हमारी दुनिया बेरंग होती तो क्या होता, माफ करना, बेरंगी लोगों को अंधा कर देती है। अगर सफेद ही नजर आता रहे, अगर उसके अंदर कोई रंग आमेजी ना हो, तो सफेद रोशनी देखते देखते आपकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। हमारे रऊफ हुसैन साहब आर्किटेक्ट
जो कमर्शियल वो फाइन आर्ट्स कॉलेज के तालिब इल्म रहे हैं वो वाकिफ हैं केरगांव की दुनिया क्या होती है, आप लोग भी खूब जानते हैं। और हर एक का एक एक पसंदीदा रंग होता है। इकबाल ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि कायनात के अंदर अगर वजूद अगर जन का ना हो तो कायनात बेनूर हो जाए। जन्नत पसंद खातिरे आदम पुदे वले, मंशाए हक जे ही ले हव्वा बरामदा। किसी फारसी शायर ने कहा कि परवरदिगार का मंशा इस कायनात के बनाने में अगर वाकई मुकम्मल होता है तो मंशाए हक जे ही ले हव्वा बरामदा, अगर हव्वा की बरामदगी ना होती तो शायद मंशाए परवरदिगार भी मुकम्मल नहीं होता। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के शोले से टूटा, इसी के साथ से है जिंदगी में सोजे दरूं, इसी के साथ से। ये जो सांस बज रहा है बे आवाज नहीं है, बज रहा है सांस और बे आवाज है। मखदूम में कहा था कभी जी नहीं, बज रहा है और सांस ऐसा साज है जो दिलों को मुसक्कर कर लेता है। तिशलाई है इकबाल ने वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग कहकर उन्होंने कायनात की तफसीर को एक पहलू ऐसा पेश किया कि जैसा कि फारसी शायर ने कहा कि मंशाए हीला मंशाए हक से हीला हवा बरामदा, जन्नत पसंद खातिरे आदम बुदे वले मंशाए हक़ ही ले हव्वा बरामदा। जरूर है बात, लेकिन इकबाल की नजर देखिए कि इकबाल ने औरत का मकाम बताने की एक ऐसी दानिश्ता और शूरी कोशिश की कि हमारे जहन साफ मंजिलों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे और सब जाए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। वालदा मरहुमा की याद के तेरा बंदों वाली जो नज्म है बांगे दरा की, उसका ये आखिरी शेर है, इससे अजमत वालदा मोहतरमा ही नहीं खातून की अजमत भी सामने आ जाती है। और फिर इकबाल से पहले जरा गौर करके देखें इस्लाम में औरत का क्या मकाम था मर्तबा था, इस्लाम से पहले क्या था? वो तो जने बाजारी, यूनानों के ईरान, मिस्रों के रूम, जी हर जगह उसका इस्तेसाल किया जाता बेकीमत। खुद हिंदुस्तान में अरब में क्या मामला था औरत के साथ? वो बांदी कनीज और ऐशो इशरत की एक शय के मुताबिक काम होता था, उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं दिया गया। लेकिन कुरान हकीम परवरदिगार के कलाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हुन लिबास लकुम अंतुम लिबास लहुन, हुन लिबास लकुम अंतुम लिबास लहुन। क्या है, किसी शायर ने इसका तर्जुमा यूं किया, तकमील है तुम्हारी तुम्हारा है बांकपन। मर्द की तकमील है और बांकपन है और तुम हो लिबास इसका तुम्हारा वो पैरहन। तो मालूम यह हुआ कि औरत और मर्द को जहां परवरदिगार ने बकाए नस्ल के लिए एक इम्तियाजी मकाम दिया उसमें औरत का जो मकाम है उसके बारे में यह साफ कह दिया हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। यह समझिए कि आदमी बेलिबास हो तो बेबरहना बरहानगी से मैदान कुछ कोई मामला नहीं, अगर लिबास है तो वो औरत है। हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सतरे औरत, फिकी मसले में आ जाते हैं तो मर्द भी फिर सतरे औरत का पाबंद होता है। सतरे औरत, औरत के माने छुपाना भी है,
सतर के माने भी छुपाना है। हमारी नमाज या हमारी तहारत मुकम्मल उस वक्त होती है मर्दों के लिए कि नाव से घुटनों के नीचे तक का लिबास आपका पर्दे में रहे, सतर रहे। ऊपर का हिस्सा अगर बढ़ना रहे तो गवारा है, लेकिन सतर औरत के बारे में जब कहा जाता है फिक्र मसले में तो मर्द के लिए भी ये अहमियत है। औरत के लिए तो खास अहमियत यह है कि वो तमाम हिस्से उसके बाहर रहें जो नमाज की हालत में रहते हैं, बाकिया तमाम उसका बदन ढका हुआ रहे, छुपा हुआ रहे, पर्दे में रहे। इकबाल ने पर्दे पे भी लिखा। इकबाल का कलाम इस बात की शहादत देता है कि इकबाल ने असर हाजिर के जो मसले उस दौर में, उनके दौर में ही नहीं आज के दौर में भी वही मसला हमारे नजदीक है। आज देखिए औरत की क्या बेइज्जती हो रही है, उसके पर्दे नामुस का कौन महाफिज है। और रिजाल कब्बामून अला निसा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि ये सही है कि अर्रिजाल कब्बामून अला निसा, औरत पर मर्द को किसी हद तक फौकियत है। लेकिन ये फौकियत के माने क्या हैं? जब अला की बात आती है तफसीर में देखिए पढ़िए तो वहां फर्जियत और अफजलियत या फजीलत के मानों में नहीं है बल्कि महाफिजियत के बारे में आती है, हिफाजत की बात आती है। और मर्द को मुकल्लफ किया गया है कि औरत की हिफाजत की जाए। इकबाल ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कुरान में जहां कई अहकाम हैं वहां साफ लफ्जों में कहा गया, जैसा कि अभी मैंने आपकी सुनने में आयत पढ़ी, सूरह निसा मौजूद है, आप उसकी तिलावत कर लें तो मालूम होगा कि औरतों के जो मसाइल हैं, औरतों के जो फराइज हैं, औरतों के जो हकूक हैं, औरतों की जो अजमत है वो इस्लाम ही में आकर रोशन और आश्कारा हुई। इससे पहले किसी कौम में, किसी नस्ल में, किसी तहजीब में, किसी तमद्दुन में औरत की कोई इज्जत थी ना उज्मत थी। मैं तफसीलात में इसलिए नहीं जाता कि रूम की तहजीब, यूनान की तहजीब, यूनान अपने आप को बहुत ही फरीज, दानिश्वर और अक्ल कुल की मंजिलों में समझने वाला, तहजीब अव्वल की मंजिलों में लाने वाला, अपने आप को कहलाने वाले। इस मुकाम पर एक बगैर इकबाल ने लिखा कि अफलातून के बारे में कहा क्या के मकालिमात अफलातून ना लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। किसी ने कहा हजरत राबिया बसरिया की बात मुझे याद आई, हजरत राबिया बसरिया से किसी ने पूछ लिया कि बीबी ये तो बताएं आप कि जितने अंबियाए मा सबक हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक, कोई नबी औरत नबी या रसूल बनकर नहीं आया, सब मर्द हैं। और खुद हमारे रसूल अकरम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल सही है, परवरदिगार का मंशा और परवरदिगार की हिकमत और उसकी मशीयत तो वही जाने, लेकिन हमारी समझ में ये बात आती है, जरा गौर तो कर लो, अगर नबी और रसूल कोई औरत नहीं है तो औरत की, पैगंबर की माँ तो औरत ही है, इसकी अजमत और कहाँ जाएगी। इकबाल ने बड़े मजे से बात इस तरफ इशारा भी किया के जावीद नामे में उन्होंने फलक मिर्रिक की शायर की मौलाना रूम के हमरा, फलक मिर्रिक में एक ऐसी औरत से भी गुफ्तगू हुई है जो नबुवत की झूठे दावेदार थी और उसने कुछ नहीं किया, अपने पैरोकार औरतों को वरगलाया
और कहा कि तुम पर ये फ़र्ज़ होता है, तुम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मर्दों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। इकबाल लिख रहे हैं, जावेद नामे में लिख रहे हैं, फलक मर्रख में लिख रहे हैं, झूठी दावेदार औरत के बारे में, और मौलाना रूम के साथ सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ तो अफलातून की तरफ इशारा करते हैं, अफलातून ज़ाहिर अक्ल अक्ल कुल की मंजिलों का रहने वाला, लेकिन औरत के बारे में इकबाल कहते हैं कि मुकालेमात अफलातून ने मुकालेमात नहीं लिखी, लेकिन लिखने का मामला ये हुआ कि उसका जो फसूँ, उसका जो जादू, उसकी जो अजमत थी, अगर वो टूटती है, तिलस्म टूटता है तो वही औरत से टूटता है। तो इकबाल ने गौर करके देखें, यहां एक और बात भी मुझे याद आई, बड़ी अच्छी बात कही। एक मुकाम पे उन्होंने कहा कि औरत के चार ही मरातिब हैं, मां, बहन, बेटी और बीवी। बाद लोग इसको तीन तक रुक जाते हैं, बीवी का शुमार नहीं करते, बड़ा महले नजर है। मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि मां की अजमत का तो मामला ही अलग है, लेकिन बहन की जो बेलौसी और उसकी जो खिदमत है वो दिखाई नहीं देती, महसूस किया जा सकती है। और फिर बेटी की खिदमत जो वो तो ऐसी है कि जिसमें कलाम नहीं है, लेकिन गौर करके देखें तो रह जाती है बीवी। बीवी के बारे में बाज़ मुफक्करीन का कहना यह है कि उम्र की आखिरी मंजिलों में अगर रफीक हयात उसका साथ दे तो वह माँ के दर्जों में मोहब्बतों के साथ चलती है, क्योंकि शौहर के साथ जो बेपर्दगी उसकी दरमियान होती है वो इस बात की मुतकाजी है। कि ऐसी बहुत सारी बातें जो शायद कोई शख्स अपनी माँ से भी ना कहे अपनी बीवी से कह देता है, और यही अजमत है उसकी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां माँ की अजमत की तरफ इशारा किया, आप देखिए हजरत हलीमा सादिया तशरीफ ला रही हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चादर बिछा दो, चादर बिछा दो। ये क्या दलील है अजमत की। सफाना हातिम ताई की बेटी है, अभी मुसलमान भी नहीं हुई, लेकिन आपको पता लगा कि ये हातिम ताई की बेटी है, एक कबीले तय की सरदार की बेटी है। एहतराम औरत का मामला ये है कि आपने कहा कि उसको इज्जत और तौकीर के साथ सुलूक किया जाए। और आपको पता है हमारे पास औरतों के बारे में इस कदर पस ज़हनियत का मुजाहरा होता है कि आज दुनिया की तहजीब और तमद्दुन में औरत का जो नाश हो रहा है शायद ही कभी हुआ होगा। हर महफिल की जान बनी हुई है, बल्कि मैं कहूंगा इश्तिहारात की आन बनी हुई है जी। हमारा लुखमा, हमारे निवाला, हमारा दूसरे टुकड़ा नहीं लेता जब तक कि हम औरत का जिक्र न कर दें। लेकिन क्या है, औरत की जो पस्ती है उसकी अजमत के मुकाबिल क्या वाकई पस्ती है? नहीं, बल्कि औरत के बारे में परवरदिगार आलम ने अपने अहकाम में फरमाया है, वो इस्लाम पहला मजहब है सारी दुनिया में किसने औरत को साहिब जायदाद बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले किसी नस्ल और किसी कौम में यह हक नहीं दिया गया था। साहिब जायदाद होती है किसी जगह, किसी कौम में, किसी नस्ल में। तो इस्लाम, इकबाल इन तमाम बातों से इक्तिसाब करते हैं अपने कलाम का, और फिर साथ साथ साफ लफ्जों में कहते हैं कि औरत हो के मर्द, उस्वे रसूल तो उनके लिए एक नमूना है। एक बड़ी अहम बात जो मेरे पढ़ने में आई, बड़ा मुझे लुत्फ आया, और बहुत बहुत देर तक मैं
اسے لطف اندوز ہوتا رہا. آپ بھی سن لیے کہ اقبال نے ایک مقام پر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم بڑی عظمت والی بی بی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, پروردگار نے حکم, لیکن اس وے رسول کی حامی حامل وہ خاتون محترم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ عظمت سے نسبت کا استعمال کیا انہوں نے. میں وہ شعر پڑھوں گا آپ کے سامنے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز, اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت بی بی زہرا فاطمۃ الزہرا کو تین نسبتیں حاصل ہیں جبکہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے اور وہ ہے والدہ ہونا حضرت مسیح علیہ السلام کا. یہ تین نسبت کیا ہے تو اس کی تفریح تشریحات میں صرف اتنا سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں, خلیفہ چہارم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں, اور حضرت حسنین کی والدہ محترمہ ہیں. تو کہا یہ کہ اس سے نسبت تین نسبتیں آ گئی. ایک وہ ایک نسبت سے حضرت مریم کی عظمتیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں, تو بی بی فاطمۃ الزہرا کی تین نسبتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اقبال کی نظر میں عورت کا کیا مقام تھا. وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کی ایک مکمل نمونہ اگر عورتوں میں خصوصاً دیکھنے میں آتا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی دیکھ لیجیے. یہ ایک شعر اس تمام کیفیات کی حامل ہی نہیں, تفسیر ہے. اقبال کی نظر دیکھیے کہاں کہاں جا رہی ہے, انہوں نے فیض کہاں سے حاصل کیا ہے. سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. اقبال کی نظر تو یوں جاتی ہے. تو اقبال نے اس انداز سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو بانگ درا میں ماں کا خواب انہوں نے لکھ دیا, والدہ محترمہ کی یاد میں تیرہ بند کی نظم لکھ دی, اور پھر وجود زن سے ہے تصویر کائنہ. ہاں یہ بات بولتے بولتے رہ گیا میں کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, یہ رنگ کتنے رنگ ہیں, ہمارا رنگ ہے, لیکن ان رنگوں میں جو عظمت والے بہتر سچے اچھے اور نیک اور اعلیٰ عرفا اگر ہیں تو یہ چار ہی رنگ ہیں, ماں بہن بیٹی اور بیوی. اور اس کی تشریحات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے آپ کو آشکارا اور آپ کو معلومات میں آپ کی آ جاتی ہیں. بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبال جب مدراس پہنچ رہے تھے تو وہاں ان کے لیکچرز ہوئے تھے مدراس میں, تو انجمن خواتین اسلام نے ان کو سپاس نامہ پیش کیا اور وہاں کچھ سوالات بھی اٹھے, خواتین نے سوالات کیے. تو اقبال نے جواباً اپنے ایڈریس میں اپنی تقریر میں جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے. ابھی جس طرح میں اشارہ کیا کہ الرجال قوامون علی النساء کا جو بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پروردگار نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دینے کے لیے مردوں کو افضلیت دی ہے, ان کے بھی فرائض رکھے ان کے بھی فرائض رکھے, لیکن ان ہر دو فریضوں میں اپنی اپنی جگہ غور و فکر کی بات ہے. مردوں کے اگر کچھ فرائض ہیں تو عورتوں کے بھی کچھ فرائض ہیں. اگر مرد اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری سے متعلق عورت بھی ہو جاتی ہے,
چنانچہ انہوں نے کہا کہ ناموس کی حفاظت کے لیے پروردگار نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. اور رجال القوامون کی تفصیل میں انہوں نے بات بتائی کہ یہ مت کہیے کہ عورت اپنی ذمہ داری پر محافظ نہیں، بلکہ مرد کو اس کا محافظ بنایا گیا ہے. یہاں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مرد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ناموس سے عفت، عصمت، تین لفظ یاد رکھیے، عفت، عصمت، عزت، ایک ہی قبیل کے معلوم ہوتے ہیں. ہمارے پاس اکثر لفظ استعمال کرتا ہے عفت مآب، پھر اکثر لوگ بتاتے ہیں عزت مآب، اب عصمت مآب بھی کہا جا رہا ہے، لیکن کہاں تک یہ درست ہے نہیں معلوم. لیکن میں عفت اور عصمت کے بارے میں اور عزت کے بارے میں ایک لفظ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. عفت کے معنی وہ بات ہے، عفت، عفت مآبی. ہمارے پاس پردے کا لزوم ہے، پردے کے معنی جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کانا پردہ ایک ہوتا ہے، آنکھ کا پردہ ایک ہوتا ہے، وہ مختلف انداز کے پردے ہوتے ہیں. پردے کے معنی شرم و حیا ہے. خود مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے. اس بات سے ہمارے پاس فقہی مسائل میں کہا گیا ہے کہ حمام میں بھی آپ کو ستر سے بے ستر نہیں ہونے کی اجازت نہیں ہے. خیال رہے ہمارے پاس مسئلہ ہے بہت بڑا، بے ستر نہیں ہونا ہے حمام میں بھی. کوئی دیکھنے والا نہیں، ارے پروردگار تو ہے، اس کے نیک فرشتے تو ہیں، اس کی نیک ارواح تو ہیں. خیر، عفت کے بارے میں اتنا یاد رکھیے کہ کسی غیر محرم نے محرم کو دیکھ لیا اور لذت، شہوت یا جنس زدگی کے ساتھ قاہش کو اپنے برقرار رکھتے ہوئے اس پر نظر بد ڈالی، تو عفت مآبی رخصت ہو چکی. اور حسن اتفاق اگر اس نے جرأت رندانہ کرتے ہوئے اس کو چھو لیا غیر محرم کو، تو عفت تو برقرار رہی ہی نہیں. اور اگر اس کے ساتھ اختلاط ہو، بوس و کناری ہو جائے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو عصمت بھی غارت ہو گئی. جب عفت و عصمت چلی گئی تو میرے بھائی عزت کہاں باقی رہی؟ آج ہمارے پاس اس پر غور کرنا ہے کہ عفت مآبی کی منزل کیا ہے، عصمت مآبی کیا ہے، اور عزت مآب کسے کہتے ہیں. اقبال نے درس دیا ہے ہم کو، وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ ضرور ہے، لیکن یہ رنگ کبھی گہرے اور کبھی پیکے اور کبھی اندھے بنانے کے لیے بھی کافی ہے. ہمارے پاس آج ہم مختلف رنگوں میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں. میں رنگ کا استعمال کر رہا ہوں، استعمالیت ایک الگ چیز ہے، استحصال ایک الگ چیز ہے. ہم اپنی آج کا دور ایک عجیب و غور دور ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ جہاں گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ بھی جاتا رہا، اب اس کو ہم فیشن کی دنیا میں سوچتے ہیں. آج ہم ندامت تو بہت دور کی بات ہے، احساس ندامت بھی نہیں ہے کہ ہم کیا برے امور میں الجھے ہوئے ہیں. ہم ایک برا کام کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک چکر دے دیا، گھما دیا، اس کو دھوکہ دیا، لیکن اس کی منزل یہ ہے، اس کو آپ نے غلط استعمال کرتے ہوئے خود کو مجرم بنا لیا، گناہگار بنا لیا، اور دوسروں کے سامنے آپ کی اپنی عزت و توقیر کو بھی گنوا لیا. عفت مآبی عورت ہی نہیں، مرد بھی عفت مآب ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی حیا کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بے شمار وقتوں میں سنا ہوگا، کہ ایک منزل آئی
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام ایک بعد دیگر تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار کسی حد تک سمٹ گئے، حضرت عمر آ گئے تو آپ نے اور اپنے آپ کو سمٹھا لیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے اپنے آپ کو مکمل درست کرتے ہوئے اپنے پیرہن کو بھی درست کر لیا اور کہہ دیا کہ عثمان آ رہے ہیں، یہ وہ عثمان ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کی حیا ہے. سترہ عورت کا مسئلہ بھی ہے، عورت کی عظمت بھی ہے. تو یہاں جیسا کہ کہا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت و مرد کے رشتے کو پروردگار نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور یہ پروردگار کا حکم ہے. اگر اس حکم سے آپ اعراض کریں گے، ہٹیں گے، اگر اختلاف کریں گے نعوذ باللہ، تو ہمارا ایمان کہاں رہا؟ اور پھر اس حکم کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں درون خانہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس کس کس منزلوں میں ہم لوگ ستر عورت اور عورت کی عظمت اور عورت کی توقیر کر رہے ہیں، یا اس سے ہم اعراض کر رہے ہیں، یا اس سے ہم نظر انداز کیے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کو، اقبال کے کلام کو مختلف عنوانات کے تحت نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں، غور کریں، اور اس کو عمل اس پر عمل پیرا ہونے کی قوت کے ساتھ کوشش کریں. عورت کی تعلیم کے بارے میں ایک اشارہ اقبال کا شعر ہے کہ جس تعلیم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن. دیکھیے بہت معمولی سا لفظ استعمال کیا ہوں، نہ زن، عورت پن نہیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ارباب نظر جو نظر رکھنے والے ہیں، نظر جتنی اونچی نظر رہیں گے اونچا نظر آیا، آپ کی نظر جتنی اونچی رہیں گی اتنا اونچا نظر آیا. میں نے کبھی ایک شعر پڑھا دیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آج یاد آ گیا کہ نظر وہ کیا نظر، حد جس نظر کی آسمان ٹہرے. نظر وہ کیا نظر، حد جس نظر کی آسمان ٹہرے، اور نظر تو وہ نظر ہے جو آسمان کے پار ہو جائے. نظر تو وہ نظر ہے جو آسمان کے پار ہو جائے. ایک شاعر نے یہ بات کہی کہ نظر اٹھے تو نظاروں کو ڈھونڈ لیتی ہے. دیکھیے ہمارے پاس شاعری میں بڑا بڑا مزہ بھی آتا ہے. شاعر کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں. شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، ایک اوپر کا ایک نیچے کا. شعر کیا کرتا ہے شاعر؟ ایک مصرے میں دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے میں اس میں اس کی دلیل پیش کرتا ہے. کبھی پہلے مصرے میں دعویٰ دلیل پیش کر دیتا ہے تو دوسرے مصرے میں اس کا دعویٰ کر دیتا ہے، تاکہ یہ دونوں باتیں پہلو با پہلو، دوش با دوش، برابر برابر سمجھ میں آ جائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. تو نظر اٹھے تو نظاروں کو ڈھونڈ لیتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. پھر ثانی مصرے میں کہتا ہے لہر اٹھے تو کناروں کو ڈھونڈ لیتی ہے. غور کر کے دیکھیں، اگر آپ سمندر کے کنارے کہیں دور کوئی ایک چیز آپ پھینک دیں، آپ دیکھیں گے کہ لہروں کے بل پر وہ چیز آہستہ آہستہ بہرحال کنارے تک پہنچ جاتی ہے. تو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن. ایک چیز ہوتی ہے شاعر کے پاس جس کو ہم اثر پذیری کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے اثر اندازی. شاعر کیا ہوتا ہے کہ اطراف اکناف کے ماحول سے، اطراف اکناف کی چیزوں سے اپنے آپ کو وہ اثر پذیری حاصل کر لیتا، اثر پذیر ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے کلام سے، اپنی قوت اقتضا سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے ادراک سے اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کر پھر وہ اثر پذیر نہیں بلکہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یہاں وہی بات بتاتی ہے
कि इल्म का हुसूल से हम असर पजीर होते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वो इल्म किस काम का कि जिस इल्म के हासिल करने के बाद उसका असर ना हो। बेफैज है वो इल्म, बेकार है वो इल्म। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाता है किताबों की बुनियाद पर, और अगर वो प्रैक्टिस ना करे तो उसका डॉक्टर बनना बेकार है। या ये मैं घर में खुद किताबें अगर पढ़ लूं डॉक्टर की और मैं डॉक्टर अपने आप को कहलाऊं तो वो भी एक अहमकाना अंदाज है। किताबों से पढ़ने से नहीं, यहां सोबत की बात भी आएगी। खैर वो जाने दीजिए, लेकिन यहां जिस इल्म की तासीर से ताजन होती है नाजन, वो तासीर जो औरत ने कबूल किया, जो असर पजीरी हुई, वो इल्म जरूर है, लेकिन उससे उसका जो औरतपन है, ये औरत की जो अजमत है, औरत की जो हया है, औरत का जो नामूस है, उसकी इफ्फत है, उसकी इस्मत है, उसकी इज्जत है, अगर वो गारत हो रही है, अगर वो दागदार हो रही है और वो औरत कहलाने के काबिल न रहे, तो फिर इस इल्म का क्या हासिल। तो फिर इसके जगह सानी मिसरे में जरूर कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नजर मौत। वो जिंदा जरूर है लेकिन उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है बल्कि मौत है। आज हमारे दरमियान जो औरत का जो मकाम और मर्तबा है वो अपनी जगह बहुत अहम मुसलमा जरूर है, लेकिन उसमें किस हद तक हमारा अपना अमल है इसको देखना जरूरी है। और औरत को जिस अंदाज से देखा जा रहा है, खुद औरत अपने आप को किस तरह पेश कर रही है, तो क्या वो इल्म पजीरी से नाजन की मंजिलों में है, क्या वो हमारे दरमियान मौत का ऐलान नहीं कर रही है। उसके बाद एक आखिरी शेर सुन लीजिए। बेकारी वो उरियानी, उमैखोरी वो इफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात। फरंगी इंग्लिस्तान के लोग जो थे हमारे हिंदुस्तान में बरसों, बल्कि डेढ़ सदी तक उन्होंने हुक्मरानी की। 1857 के बाद से 1947 तक 100 बरस लगे उनको इस तहजीब को मिटाने और इसको मिलियामेट करने के लिए। उन्होंने अपना रंग, अपना ढंग, अपनी पूरी कैफियतों को उन्होंने गालिब अंदाज से हमारे सोसाइटी में, हमारे तमद्दुन में, हमारी तहजीब में, हमारी सकाफत में, हमारे इल्म में, हमारी कैफियत में, सब में उन्होंने इतना रसब बसा दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसका नतीजा आज हमारे सामने है, जिसके वजह से आज हमारे दरमियान जो औरत नज़र आती है वो वाकया ये है कि वो औरत के नाम पर धप्पा है। बल्कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इकबाल के कलाम को न सिर्फ इस नज़र से देखा जाए, इस फिक्र के साथ समझा जाए, इस अंदाज से पढ़ा जाए कि इकबाल ने क्या हमारे दरमियान पैगाम दिया। औरत की अजमत का मैंने जो दो तीन बातें आपके सामने रखी, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर, अब ये सवाल ये है क्या औरतें सिर्फ घर की जीनत हैं? नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और उसके बाद भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे में रहकर दर्स दिया करती थी, और ऐसे कई सहाबियात के नाम लिए जा सकते हैं जो जंग के मैदान में सिपाहियों की पानी और रिफाए आम का काम करती थी, सिपाहियों की जिंदगी जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। और तो और अगर हिंदुस्तान पर नजर डालें तो हुकूमत करने वाली भी एक खातून निकल आती है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हुदूद में रहकर। तो दर्स फिका हो के तदीस हदीस हो, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी, क्या इस बात की दलील नहीं है कि आज हमारे दरमियान जो औरत पनप रही है, उभर रही है, हमारे दरमियान जो औरत जिस अंदाज से सामने आ रही है उसका तदारुक, उसकी सही रहनुमाई और सही सब में उसको गामजन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि परवरदिगार आलम ने जिससे कहा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जो कुरान की आयत है कि मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे का पहरान करार दिया गया, तो इकबाल ने अपने कलाम में ख़ाब ज़र्ब कलीम हो, बांगे दिरा हो, जावीद नामा हो, या और दीगर
और खुसन दरब कली में औरत के नाम से उन्होंने जो नज़में अपनी छोटी छोटी अशार लिखे, वो अशार इस बात की ज़मानत देते हैं कि इकबाल की नज़र में इकबाल ने मगरिब को भी देखा, मशरिक को भी देखा, और मगरिब की जो औरत का इस्तेसाल आज भी हो रहा है और जिस अंदाज से हो रहा है वो ढकी बात नहीं है, पोशीदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इकबाल को इकबाल की नज़र से औरत को देखने का आज एक बहुत अहम हमारे पर फरीज़ा आयद होता है कि हम इकबाल की नज़र से औरत को देखें और इस्लाम की नज़र में औरत का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, उसका तायुन करने की कोशिश करें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिह अजमईन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन। हज़रात, मैं कुछ ताखीर से पहुँचा महफिल में, लेकिन उसके अहम जो कंक्लूजन्स होते हैं उससे पूरा इस्तेफादा मैंने किया। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमारी तादाद बताती है जो 40-45 के करीब है कि आप हजरात इन महाफिल की कितनी हिम्मत अफजाई करते हैं, और आज जबकि इकबाल को लोग भूल रहे हैं, आप के ये आपका ये अमल हमारी हिम्मत अफजाई का बास होता है। मैं आप सबके हमराह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें वो ऐसी महफिल में लाया लाता रहता है जिसको कि इबादत का दर्जा हासिल है। और फिर जो तकरीर का मकसद है उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि ये शायद हम इतनी बातें जो सुनते हैं, कई जख़ीम किताबें पढ़ें तो आपको उसका निचोड़ ना मिले, लेकिन ये हमारे मुखर साहिबीन की मेहनत है जो हमें उन ख़जानों से, उन दफीनों से आगाह करती है जो कि हमारे किताबों के अंदर महफूज है। मुझे यकीन है कि आपको अगले हफ्ते के बुलेटिन मिल चुके हैं, दे दिए भाई अगले हफ्ते। वो ऑडियो वीडियो से इंदिरा प्रिया दर्शनी में सुबह 7:15 बजे आगाज़ करेंगे इस लेक्चर का, जो 45 मिनट के लिए होगा, और आप सवाल जवाब भी। मैं इसलिए उसको अहमियत दे रहा हूँ कि अब ख्याल किया जा रहा है कि इस वक्त हार्ट और टीबी और ये सब पीछे चले गए हैं, कैंसर के मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं, और कैंसर के अमवाद जो है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में है। दूसरे मर्ज में तो मरीज़ जो है रिकवरी भी कर लेते हैं, सेहतियाब भी हो जाते हैं, लेकिन ये कैंसर के अंदर कंडीशन ये है कि अगर अर्ली स्टेजस में अगर आप न करें इलाज तो फिर वो हाथ से जान धोना पड़ता है। तो वजह यह है कि वो काबिल इलाज नहीं रहता बाद के स्टेजस में, और हम उसको जिसको फुंसी समझते हैं वो बाद में फोड़ा हो जाता है। तो इस तरह से फुंसी समझ के हम जो वो नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं देते, उसका नतीजा यह होता है कि वो जान लेवा होता है, और फिर किसी की जान जाना खुद उसके लिए नहीं बल्कि उसके ख़ानदान, उसके पड़ोस अड़ोस, उससे इस्तेफादा करने वाले सब के लिए होता है। ये उसके पैम्फलेट्स हैं, आप में से जो अटेंड करना चाहें पैम्फलेट्स ले सकते हैं। तो मैं दुआ की गुजारिश करता हूँ। अलबत्ता इतना ज़रूर अर्ज करूँगा कि आप एक बहुत ही अहम उन्वान से हमारे अगले लेक्चर के बारे में आज़ाद ख्याली और भाईचारगी, इसके इस उन्वान से इकबाल अहमद इंजीनियर साहब हमें मुखातिब कर रहे हैं बरोज़ हफ्ता, यानी अब हमारा अगला हफ्ता जो शुरू होगा, चारशंबा महाफिल के इख्तिताम का दिन है, तो हफ्ते के दिन जो है ज़रूर आइए आज़ाद ख्याली और भाईचारगी। ये भाईचारगी का लफ्ज़ इतना सीधा साधा है, इसका हर मज़हब में इसकी अहमियत है, लेकिन नामवर उर्दू मुसन्निफ़ प्रेमचंद ने जिससे पहले मैंने जिक्र किया था यानी तकाबुली जायजा जिसे कहते हैं कि बुनियाद क्या है मजाहब की, उसके अंदर क्रिश्चियनिटी की बुनियाद को, दुनिया के सबसे बड़े मजहब को उन्होंने रहम पर मबनी करार दिया, और इस हिंदुइज्म को भाईचारगी पर, और दुनिया के दूसरे बड़े मजहब इस्लाम को इंसाफ पर। तो ये भाईचारगी की जो अहमियत है वो बता रहा था आपको, ज़रूर उसमें शिरकत फरमाइए। ये जो है 2 मार्च को हफ्ते के दिन है, और उसके बाद
हाफिज मोहम्मद इसहाक कमाल खादरी साहब को अगर आप नहीं सुने हैं तो तशरीफ जरूर लाइए, और सुने भी हैं तो आइए। वो गैर मामूली तैयारी से आते हैं और अब उनका शुमार तो उलमा में होता है। गुनाह और तौबा का इस्लामी तसव्वुर, अब ये चीज़ तो ऐसी है हमारे उठते बैठते में सबसे सरजद होते रहते हैं, गुनाह भी सरजद होते हमें और उसका जो है उसकी तौबा भी होती है, गुनाह भी करते हैं हम दुआओं में तौबा भी करते हैं, ये सब होता है। तो गुनाह और तौबा का तसव्वुर भी जो है इस्लामी तसव्वुर, ये भी बहुत बड़ी अहम बड़े अहम उनवान है। और उसके बाद आप तो जनाब मुस्तर मजाज साहब से वाकिफ़ हैं, मुझे खतन तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, वो बड़े अजीम स्कॉलर हैं और हमें अगले चहारशंबे को मुखातिब कर रहे हैं। उनवान है अरमगान हिजाज का तजियाती मुतालिया, जिस तरह वो उन्होंने पिछले अपने खिताबों में तजियाती मुतालिया किया है वो भी बड़ा अहम रहेगा। मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ लाएंगे। दुआ फरमाएं ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.